अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बनाने वाले हैं बैगन आलू की सब्ज़ी। आधा किलो बैगन लिए हैं और 3 आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के। ये देखिए ऐसे ऐसे काटना, ऊपर से ऊपर का ये निकाल देना है, ऐसे करके निकालना है। देखिए ऊपर का साफ़ करने के लिए ऐसे काटना है। ये देखिए ऐसे ऐसे स्लाइस में काट देना है और पीस करना। ये देखिए ऐसे ही थोड़ा इतने मोटे मोटे काटने हैं, सारे को ऐसे काट लेंगे बैगन को। अगर आप चाहें तो इसको छील के भी बना सकते हैं, और नहीं छील के बनाए तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं छिलके के साथ। ये देखिए ऐसे छील के भी बना सकते हैं। लिया है, उसे छील लिया है। 3 छोटे कांदे हैं, आप एक बड़ा कांदा भी ले सकते हैं मीडियम साइज़ का। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 6-7 हरी मिर्ची। अभी मिक्सर में काट लेंगे कांदे को, और इसमें लहसुन डालेंगे, हरी मिर्ची डालेंगे, अदरक डालेंगे। एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच से कम हल्दी, आधा चम्मच चिकन मसाला पाउडर। अगर आपके पास घर का मसाला हो तो पिसा हुआ वो भी डाल सकते हैं, तो फिर चिकन मसाला नहीं डालना। स्वाद अनुसार नमक, अब इसे ग्राइंड कर लेना है। थोड़ा हरा धनिया लेंगे और 2 टमाटर लेंगे। ये दोनों टमाटर को काट लेना है, और जैसा मैं हर बार बताता हूँ कि इसके बीज निकाल देना है अलग से, क्योंकि इसके बीज नुकसान करते हैं। और धनिया को भी काट लेंगे। ये देखिए सारा मसाला ग्राइंड कर लिया, तेल गरम कर लेना है, फिर इसमें मसाला डालना है, फिर थोड़ा चला लेना है। 5 मिनट के लिए थोड़ा फ्राई होने देना है। और इसमें मसाले में थोड़ा जो मिक्सर में लगा हुआ, तो इसमें पानी डाल के इसे मिक्स करके इसमें डाल देना है, जिससे हमारा जो मसाला है वो वेस्ट नहीं होगा। अभी इसे थोड़ा 5 मिनट पकने देना है। 5 मिनट हो चुके हैं, और मैंने बीच बीच में 2-3 बार चला भी दिया था। अब इसमें बैगन डालेंगे, इसे मिक्स कर लेंगे। आलू को ऐसे पीस में काट लिए और इसे अब धो लेंगे अच्छे से। आलू को धो लिए, अब इसमें डाल लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें टमाटर डालेंगे बारीक काट लिए थे, और धनिया डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। थोड़ा सा पानी डालेंगे अब इसमें, और 2 सीटी लगा लेंगे। ऐसे लगा लेंगे, बंद कर लेंगे। अब 2 सीटी आने तक आने देंगे। ये देखिए 2 सीटी लगा लिए और हमारी सब्जी बन चुकी है। तो थोड़ा सा धनिया बचा के रखे थे वो अब डालेंगे इसमें, ऊपर से गार्निशिंग करेंगे थोड़ा। अब इसे सर्व करेंगे एक प्लेट में। देखिए देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। बहुत टेस्टी बनते हैं और आसान रेसिपी है, आप ज़रूर बनाएं एक बार, बहुत टेस्टी बनता है ये। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं।